ब्लॉग दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग कांवड़ यात्रा में आए हुए हैं और आज सोमवार है। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहेंगे, हम आप लोग को कांवड़ यात्रा का पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। देखिए बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं जो शिव जी पे जल चढ़ाने जा रहे हैं, पूरा डीजे वगैरह हर कुछ है। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ ब्लॉग में ज़रूर बने रहेंगे। देखिए काफ़ी माताएँ बहने हैं जो कलश ली हुई है और गंगा जी से पानी लेकर के महादेव पे चढ़ाने जा रही है सारे लोग। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, गंगा जी का ब्लॉग अभी दिखाना बाकी है। देखिए सारे लोग कलश लिए हुए हैं, जो श्रद्धालु इस पूजा में शामिल होना चाहते हैं सारे लोग शामिल हैं। और काफ़ी माताएं बहने हैं जो कलश लिए हुए नजर आएंगे आप लोग को। और सबसे पहले गंगा जी से जल भराता है, जल भरा करके इसके बाद फिर शिव मंदिर पे जा करके शिव जी पे जल अर्पण होता है। और ये हर साल होता है, देखिए बाजा वगैरह के साथ सारे लोग नृत्य करते हुए मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में जाने के बाद फिर सारे लोग जल चढ़। देखिए आंटी लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी लोग डांस करते हुए सारे लोग जाते हैं और गाना बजते रहता है आगे में, फिर सारे लोग जाते हैं जल चढ़ाने। काफ़ी श्रद्धालु लोग मस्ती के मूड में हैं, बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स ये पूजा का तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है, बहुत पहले से ही इंतज़ार रहता है कि कब आएगी सावन। और सावन का तो मज़ा ही कुछ और है, मौसम ही अलग हो जाता है इसका। तो हमने भी जा रही हूँ जल चढ़ाने, हमने भी कलश लिया है। और ये दिघा के जनार्दन घाट से यहाँ पे जल उठाया गया है और खछपुरा शिव मंदिर पे जा करके जल चढ़ाया जाएगा, क्योंकि पटना में सबसे ज़्यादा नामी मंदिर है शिव मंदिर, सबसे ज़्यादा महान मंदिर है खछपुरा शिव मंदिर। वहाँ पे जा करके भोलेनाथ पे जल अर्पण होगा, फिर पूजा होगा, फिर प्रसादी वगैरह बटेगी, इसके बाद फिर सारे श्रद्धालु अपने अपने घर को चले जाएँगे। बहुत दूर है फ्रेंड्स, लेकिन बाजा की वजह से पता नहीं चलता है। सारे लोग डांस करते हुए पहुंचते हैं मंदिर, नाचते झूमते गाते हुए। यहाँ पे देखिए कैसे ये दीदी लोग नृत्य करते हुए नजर आएंगी, सारे लोग डांस कर रही हैं। तो फ्रेंड्स मुझे तो नहीं आता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि डांस आप लोग को आता है या नहीं आता है। देखिए बहुत सारे माताएं बहने हैं, बहुत सारे श्रद्धालु लोग ये पूजा में शामिल हैं सारे लोग। और सारे लोग का एक ही मंजिल है खछपुरा शिव मंदिर, वहीं पे सारे लोग जल चढ़ाएंगे। वैसे रास्ते में जितने मंदिर मिलते हैं सारे लोग भगवान जी को जल चढ़ाते जाते हैं, क्योंकि बड़ा बहुत बड़ा कलश है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, सारे लोग जल चढ़ाते हैं हर भगवान को। और रास्ते में सरोवर पानी की व्यवस्था भी की गई है, सारे लोग सरोवर पानी पीते हैं, जिनको प्यास लग जाती है वो लोग पानी पीते हैं। वैसे सारे लोग फास्टिंग में ही हैं, सारे लोग फास्टिंग में ही जाते हैं जल चढ़ाने। बहुत श्रद्धालु लोग हैं जो जल पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, सरोवर पी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं पीते हैं, निराजली भोले जी को जल चढ़ाने जाते हैं सारे लोग। देखिए कैसे सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पे। और कहते हैं लोग छोटे बच्चे भी पूजा करते हैं, देखिए छोटे बच्ची है जिनके मन में भी श्रद्धा है, ये लोग भी जा रही है भोलेनाथ पे जल चढ़ाने सारे लोग। देखिए सारे लोग जाते हुए नजर आएंगे, सारे लोग इकट्ठे हो गए एक जगह, इसके बाद फिर सारे लोग जाएंगे। देखिए सारे लोग बारी बारी से जाते हुए नजर आएंगे और सामने आप लोगों को डीजे भी दिखेगा। और हर एक श्रद्धालु के हाथ में आप लोग को दिखेगा कलश, सारे श्रद्धालु लोग अपना अपना कलश लिए हुए हैं, नहीं तो फिर जिनको परिचित है किसी और के साथ तो वो एक दूसरे को कलश दे देते हैं। डांस करने के मूड में रहते हैं सारे लोग, तो डांस वगैरह भी कर लेते हैं। तो
देखिए सारे लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ सारे लोग जा रहे हैं भोलेनाथ के जल अर्पण करने। देखिए काफी ये दीदी डांस करने में बिजी है, बहुत अच्छा लगता है नृत्य करते हुए। और ये मौका फ्रेंड्स अगली साल फिर आने वाला है, क्योंकि साल भर पे कांवर यात्रा होता है, साल भर के पहले नहीं होता है। जब सावन आती है फिर सावन में ही ये आरंभ होता है यात्रा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि सावन में देवघर भी जाते हैं जल चढ़ाने, लेकिन हम लोग देवघर नहीं गए, खजपुरा शिव मंदिर में ही बाबा को जल अर्पण करेंगे। देखिए सारे लोग कैसे जाते हुए नजर आएंगे। और वाकई दोस्तों बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर गए पैदल चलते चलते, फिर भी अभी मन नहीं भरा है सारे लोग डांस करने, तो मेरा भी मन कर रहा है अंदर से डांस करने का। पार्किंग एरिया है ये, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारे लोग जाते हुए नजर आएंगे। और बगल में एक मंदिर पड़ गए थे, सारे लोग मंदिर में जल चढ़ाने लगे थे। और यहाँ पे देखिए काफी स्पेस है, सारे लोग साइड पर खड़े हैं इनको। और ये पुल दिख रहा है, यहाँ पे नाला वाला पुल है। और देखिए कैसे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, एक जगह एकत्रित हुए हैं, क्योंकि सारे श्रद्धालु लोग साथ साथ ही जाएंगे मंदिर जल चढ़ाने। पार्किंग एरिया है, बहुत सारे एंटी लोग हैं। और फ्रेंड्स धूप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा हुआ है, बहुत तेज धूप है, फिर भी सारे लोग देखिए कैसे कलश लेकर के डांस करते हुए नजर आएंगे। सारे लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। और ये पूजा देखिए बिल्कुल सारे लोग श्रद्धालु लोग हैं, लेडीज लोग, जेंट्स बहुत कम ही रहते हैं, सारे लेडीज लोग ही रहती है, माताएं और बहनें सारे लोग हैं, फिर भी भैया लोग भी हैं कुछ कुछ, सारे लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं। देखिए सारे लोग जाते हुए नजर आएंगे और सारे लोग डांस वगैरह भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और नहीं पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगली बार से मैं आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।